भारत में आने वाली सभी नौकरियों की जानकारी और उनकी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए आप गवर्नमेंट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जानकारी मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि एसएससी सीजीएल, वीडियो, रेलवे एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस पहले भी आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? तो दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं। पहला जो ग्रह है जो सूर्य के निकट है वो है बुध, दूसरा जो ग्रह जो सूर्य के निकट है वो है शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है। तो पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट दो ग्रह हैं, टोटल दो, बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच के खून का रंग क्या होता है? इजी क्वेश्चन है, तो सफेद होता है, कॉकरोच के खून का रंग सफेद होता है। अगला क्वेश्चन है, किस गायिका को सुरों की रानी कहा जाता है? तो लता मंगेशकर जी को सुरों की रानी कहा जाता है और इन्हें 1969 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आई होप इसका आंसर सबको पता था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते के कितने मुख हैं? तो टोटल चार मुख हैं, तीन तो हमें दिखाई देते हैं, एक पीछे की तरफ होता है, तो टोटल चार मुख होते हैं सत्यमेव जयते के। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक की स्थापना हुई थी? तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है। अगला क्वेश्चन है, ऐश्वर्या राय कब मिस वर्ल्ड बनी थी? तो 1994 में ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी और प्रेजेंट में जो मिस वर्ल्ड है वो मानुषी चिल्लर है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो गतिमान एक्सप्रेस, भारत की सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है वो गतिमान एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ट्रेन कब चली? तो भारत में पहली बार 1853 में ट्रेन चली थी, ये फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी और ये 16 अप्रैल 1853 में चली थी और इसका नाम था बोरी बंदर, जो कि मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। और जो भारत में रेलवे का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? तो विश्व में सोने की जो सर्वाधिक खपत है वो भारत में ही होती है। अगला क्वेश्चन है, टीटी की फुल फॉर्म क्या है? ये इजी क्वेश्चन है, तो टीटी की जो फुल फॉर्म होती है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर होती है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो कुल 12 जिले हैं हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र, इनका पूरा नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2, राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन कलर होते हैं, सबसे ऊपर वाला केसरी कलर होता है और जो मिडल वाला होता है व्हाइट कलर होता है और जो लोअर में होता है वो ग्रीन कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और इन्हें 1954 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और जो भारत रत्न अवार्ड जीतने वाले जो सेकंड विनर थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश, यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस होता है और उसी दिन को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का राजकीय खेल क्या है? तो कबड्डी, और महाराष्ट्र के साथ साथ ही जो कबड्डी है वो बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, इन सब राज्यों का भी जो राजकीय खेल है वो कबड्डी ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ICICI यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ये जो ICICI बैंक है वो बैंकिंग सुविधाओं के साथ साथ वित्तीय सुविधाएं भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इससे पहले भी इसके साथ का क्वेश्चन आया था, उसमें आपको बता दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई है। आज का अगला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इजी क्वेश्चन है, तो आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो झाड़ू है, ब्रूम यानी की।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? ये भी इजी है, तो पंजा, ह्यूमन हैंड। कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो ह्यूमन हैंड है, पंजा यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के गदर के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अमेरिका। तो कोयले का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, जो हमारी पृथ्वी है सूरज के बाद तीसरे नंबर की ग्रह है वो। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था 1506 ईस्वी में। और आगरा में सबसे फेमस जो है वो ताजमहल है आगरा की। अगला क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ये भी क्वेश्चन इजी है, तो बिहू जो है वो असम का लोकप्रिय उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? तो लाला लाजपत राय जी ही पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। जो लाला लाजपत राय जी थे उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। और इनके बारे में एक खास बात यह है कि जो लाला लाजपत राय जी थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गर्म दल के जो तीन प्रमुख नेता थे ना, लाल बाल पाल, उनमें से एक थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूरज के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो 4 जुलाई को। तो पृथ्वी और सूरज के बीच में अधिकतम जो दूरी है वो 4 जुलाई को होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का। तो डॉक्टर विधान चंद्र राय का जो जन्म दिवस है वो डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में जो डॉक्टर दिवस है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है, 1 जुलाई को, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में जो डॉक्टर्स डे है वो अलग अलग डेज को मनाया जाता है, बट जो भारत में है जो डॉक्टर्स डे है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। जो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी का जो जन्म दिवस है उसको एज अ डॉक्टर डे में मनाया जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, SEZ का पूर्ण नाम क्या है? तो SEZ की जो फुल फॉर्म है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? ये भी इजी है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोरी चोरा का प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? जो चोरी चोरा का प्रसिद्ध स्थल है वो गोरखपुर यूपी में है, चोरी चोरा का प्रसिद्ध स्थल। और चोरी चोरा स्थल पर 5 फरवरी 1922 में एक चोरी चोरा घटना हुई थी जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की जो भाषा थी वो तमिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है? तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। इससे पहले आपको बता दिया गया है जो सरोजिनी नायडू जी थी उन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज थी वो एम फातिमा बीवी थी, वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और प्रेजेंट में जो भारत के प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो राकेश शर्मा जी थे, और ये 1984 में अंतरिक्ष में गए थे और टोटल 8 दिन रह के आए थे अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत खंड भारत का क्या है? तो भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है? तो भारत की जो प्रथम रंगीन फिल्म थी वो किशन कन्हैया थी, जो 1937 में रिलीज हुई थी। और इसके जो डायरेक्टर थे वो मोती बी गिडवानी थे, और जो इसके प्रोड्यूसर थे अर्देशीर ईरानी थे।
और ये मूवी 1937 में रिलीज हुई थी। भारत की पहली कलर्ड मूवी थी कृष्ण कन्हैया। अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? तो सत्यजीत रॉय थे, जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड जीता था। अगला क्वेश्चन है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है विश्वनाथन आनंद। 1992 में शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं? तो मिथाली राज। ये इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, मिथाली राज जी ने दोहरा शतक बनाया था क्रिकेट में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और ये जो क्वेश्चन थे आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपका अगर कोई सजेशन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आने वाली सभी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ में आपको उनकी तैयारी भी करवाई जा रही है। और हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में।